है और मैं हूँ आपके साथ नेहा। पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पेश किया है। पार्टी के सामने प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में दो विकल्प थे, लेकिन पार्टी अलगमान ने चन्नी पर भरोसा जताया। लेकिन चन्नी को मुख्यमंत्री पेश कराए जाने से नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू नाराज है। उन्होंने कहा, इतने ऊंचे पद के लिए किसी को चुनने के लिए शिक्षा को देखना बेहद जरूरी है। सिद्धू इसके लिए सही विकल्प होते। बयान में नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, किसी को इतने ऊंचे पद पर बैठाने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपकी शिक्षा, मेरिट, आपका काम, आपकी ईमानदारी मायने रखती है। जब पूछा गया कि क्या इसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू ज्यादा बेहतर होते, तो नवजोत कौर कहती नजर आई, बिल्कुल नवजोत सिद्धू सही विकल्प होते सीएम के लिए, भले ही वह मेरे पति हों, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह काबिल है। उनका काम करने का जो मॉडल बहुत अच्छा है। 6 महीने से पंजाब सब परेशानियों से बाहर आ जाता। जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी को गुमराह किया गया, तो नवजोत कौर ने जवाब में कहा कि बिल्कुल राहुल गांधी को गुमराह किया गया है। वहीं नवजोत सिद्धू ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपना चुनाव अभियान जारी रखा और कई चुनावी रैलियों में भाग लिया। खुद को पार्टी का वफादार सिपाही बताते हुए सिद्धू ने कहा कि पार्टी जो कहेगी वह करेंगे। सिद्धू ने कहा कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में चन्नी के प्रचार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह चन्नी की गरीबी के बारे में उठाए जा रहे सवालों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, जबकि वह अपनी आय के बारे में कह सकते हैं कि उनकी आय काफी कम हो गई है, लेकिन उनका मन संतुष्ट है। सिद्धू ने कहा कि जब पंजाब मॉडल को पार्टी अलगमान को सौंप दिया गया है और अब इसकी जिम्मेदारी चन्नी की है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब मॉडल में उन्होंने बेअदबी मामले की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही थी। सिद्धू ने बेअदबी मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेदार ठहराया और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना भी साधा। अब देखना ये हुआ कि पंजाब की सत्ता चरणजीत सिंह चन्नी पर जा सकती है या नहीं। ऐसी और खबरों के लिए SBI 9 News के साथ बने रहिएगा।